अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फुरकान क्रिक्स यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की T20 आई कैप्टन के हवाले से काफी ज्यादा खबरें सरगर्म है कि आया के T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की तरफ से कप्तानी में कौन करते हुए दिखाई देंगे, क्या शाहिनशाह अफरीदी को बरकरार रखा जाएगा कप्तानी के तौर पर या फिर किसी नए कप्तान को आजमाया जाएगा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या फिर शदाब खान में से किसी एक प्लेयर को कप्तानी दी जा सकती है T20 आईज में। तो अब इस हवाले से तकरीबन 90% कन्फर्म हो चुका है कि पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होगा। पाकिस्तान टीम का नया कप्तान बनाना PCB चेयरमैन के अख्तियार में होता है, लेकिन उन्होंने अपना यह अख्तियार एक सिलेक्शन कमेटी जो बनाई थी उन्होंने उसके हवाले कर दिया था कि आप फैसला करेंगे कि पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन सा होगा। और इस सिलेक्शन कमेटी में पाकिस्तान के माया नाज साबक बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ, ऑलराउंडर अब्दुल रजाक, फास्ट बॉलर वहाब रियाज और असद शफीक चार क्रिकेटर शामिल हैं। इसके अलावा एक डाटा एनालिस्ट को भी रखा गया है इस सिलेक्शन कमेटी में। इन पांच बंदों ने अब एक रिपोर्ट पेश की है PCB चेयरमैन के सामने और उन्होंने इसमें दो नामों की तजवीज दी है, एक बाबर आजम और दूसरा मोहम्मद रिजवान के नाम के वाले से उन्होंने कहा कि इनको कप्तान बनाना चाहिए अब T20 आई क्रिकेट का। और सरप्राइजिंगली इसमें शाहिनशाह अफरीदी का नाम नहीं है और तकरीबन ये कंफर्म अब बात हो चुकी है कि शाहिनशाह अफरीदी को पाकिस्तान की T20 आई टीम की क्यादत नहीं दी जाएगी। जहाँ तक मेरा जाती ख्याल है तो मेरे ख्याल से किसी भी कप्तान को इतना जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए और जिसको भी आप कप्तान बनाते हैं उसको थोड़ा अरसा टाइम देना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बाबर आजम को बनाया तो तकरीबन 3 से 4 साल वो कप्तान रहे हैं और इनकी कैप्टनसी के दौरान इंग्लैंड टीम ने और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान में आकर हमें क्लीन स्वीप किया और वो भी उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी आती, उनकी जो बी या सी टीम आप कह सकते हैं वो आती रही है पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती रही है बाबर आजम की कप्तानी में। और तो और इन 4 सालों में हमने जिम्बाब्वे से भी शिकस्त खाई है। ODI क्रिकेट की बात करें या T20 क्रिकेट की बात करें दोनों फॉर्मेट्स में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन किसी ने भी इतना जल्दी नहीं कहा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए जैसा कि अभी ये शाहिनशाह अफरीदी के साथ कर रहे हैं। सिर्फ एक सीरीज के बाद जो कि न्यूजीलैंड में खेली गई है जहाँ पर अक्सर जब भी पाकिस्तान जाता है तो स्ट्रगल ही करता है, उनके खिलाफ इनकी सीरीज थी जहाँ पर उनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी उसके खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त, तो ये सिर्फ एक सीरीज में और यहाँ पर बातें स्टार्ट हो गई हैं कि शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटा देना चाहिए। और जहाँ तक बात करें अगर हम बाबर आजम की तो उन्हें पूरे 4 साल दिए गए, इसके बाद जब वो वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरह नाकाम हुए उसके बाद उन्हें हटाने का फैसला किया जा रहा था, लेकिन अभी PCB ने ऐलान नहीं था किया कि उन्हें हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, उन्होंने खुद ही कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था और अब उन्हें ही दोबारा कप्तानी दी जा रही है। और मैं सरप्राइज हूँ कि कैसे बाबर आजम दोबारा कप्तानी को एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ 2-3 मंथ के बाद जिससे उन्होंने खुद ही पहले इस्तीफा दिया था। मैं हरगिज बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी अगर हम कप्तानी में बात करें तो हमने एशिया कप का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप 2021 का हमने सेमीफाइनल खेला और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, पाकिस्तान अनबीटन रहा था। और 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने फाइनल मैच खेला था। अब हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक गुड चीज होती है और एक बैड चीज होती है, और इस तरह बाबर आजम की बात करें तो उनकी कैप्टनसी में बहुत ज्यादा गुड परफॉर्मेंसेज भी हैं और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज वो हम उन्हें बैड भी कह सकते हैं, जिस तरह वो जिम्बाब्वे से आ रहे या क्रूशियल मौकों पे आके उनसे उस तरह कप्तानी नहीं थी होती वर्ल्ड कप के मैचेस की हम बात करें तो। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बाबर आजम ने काफी ज्यादा कामयाबियां दिलाई हैं पाकिस्तान टीम को इन पिछले 4 सालों में, तो अगर उनको दोबारा कप्तान बनाया जाता है तो पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं कि वो अच्छा ही करें और जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाएं। और हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बस दुआ कर सकते हैं कि अब वो अगर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने जा रहे हैं तो उन्हें काफी लंबे अरसे के लिए कप्तान बनाए, ये ना हो कि T20 वर्ल्ड कप के बाद दोबारा बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए। गैस ये था पाकिस्तान की T20 कप्तानी के हवाले से मेरा ओपिनियन जो मैंने आपको बताया और ये तकरीबन 90-95% कन्फर्म हो चुका है कि बाबर आजम ही पाकिस्तान टीम के न्यू T20 आई कैप्टन होंगे और पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप में लीड करेंगे। तो गैस आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है कि पाकिस्तान टीम का नया कप्तान किसको होना चाहिए, क्या शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, और आपके ख्याल से शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना और बाबर आजम को कप्तान बनाना ये फैसला कितना दुरुस्त है और कितना गलत है, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और गालियां देने से परहेज करना है क्योंकि हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, तो हमें हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।